आज मैं तुम्हें दो मंकी भाइयों की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। दोनों भाई एक बड़े ही हरे भरे और खूबसूरत जंगल में रहते थे। बड़ा भाई था माकड़ और छोटा था कपीश। ये कहानी है इस जंगल में रहने वाले दो बंदर भाइयों की। बड़ा भाई माकड़ बड़ा ही तेज तर्रार था और छोटा भाई कपीश बड़ा ही आलसी था। थक गया, थोड़ा आराम कर लेता हूँ। वैसे भी बहुत सारे फल जमा हो गए हैं। नहीं मेरे भाई, इतने से कुछ नहीं होने वाला है। पहले थोड़ा आराम तो कर लो। नहीं, चलो मेरे साथ इस तरफ। अभी आराम कर सकता हूँ ना? बस थोड़ी देर में फल जमा करने का काम खत्म हो जाएगा। चलो देखो, अंगूर इस चेस्टनट पे काफी ऊंचाई पर हैं। मैं उन्हें तोड़ता हूँ, मेरी मदद करना तुम, ठीक है? कमाल है, लगता है इसका मन भरेगा ही नहीं। अरे वाह, बड़ा मजा आ रहा है। चोट लग गई। तुम बेकार में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। ओ, इतनी देर में तो तुम मेरी मदद कर सकते थे। मैं मदद करूंगा, लेकिन मैं क्या जमा करूं? यहाँ फल तो है ही नहीं। आंखें खोल कर देखो, पेड़ पर ढेर सारे फल हैं। चलो जल्दी करो। मगर वो तो काफी ऊंचाई पर हैं, चढ़ने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। हाँ मालूम है, मगर चढ़ते वक्त तुम जरा अपना ध्यान रखना, ठीक है भाई? जरा संभल के, मधुमक्खियाँ हैं। बड़े भैया, टहनी को हिलाओ। तुम तो बड़े दमदार हो, हम बंदरों के खानदान की शान हो। बड़ा आसान तरीका है। बोलो तुम क्या कहते हो कपीश? इसे कहते हैं जादू की छड़ी का कमाल। ये देखो। ये गिरा। अब बस भी करते हैं। मुझे भी सीखना है, लेकिन सीख नहीं पा रहा हूँ। ये काम तो बड़ा खतरनाक है। काश मैं भी बांस की तरह हवा में उड़ पाता।
काश मेरे भी पंख होते। सुनो, किसी ने मुझे बुलाया क्या? मैंने बुलाया, तुम मुझे अपने पंख दोगे क्या? अपने पंख दे दूं? कैसे दे सकता हूँ, इनके बिना तो मैं उड़ भी नहीं सकता हूँ। थोड़े पंख तो दे दो। मगर तुम मेरे पंख लेकर क्या करोगे? I'm sorry दोस्त, ये तुम्हें नहीं बता सकता। अच्छा ठीक है, अगर तुम्हें पंख चाहिए तो मेरे साथ चलना होगा, मैं तुम्हें पंख दूंगा, आओ मेरे साथ। कहाँ चला गया मिस्टर हरिया? आपने मेरे छोटे भाई कपिश को कहीं देखा है? नहीं देखा। कमाल है। मेरे भाई कपिश, कहाँ हो तुम? मैं यहाँ हूँ। अरे तुम कपिश ही हो ना? नहीं पहचाना क्या? मुझे पंख मिल गए हैं, ये देखो। मेरे पंख कैसे लग रहे हैं बड़े भाई? रुक जाओ, तुम किसी जादूगर के पास गए थे क्या, बताओ। बिल्कुल नहीं, मगर हाँ मैं उड़ने वाला बंदर बन गया हूँ, मैं भी उड़ सकता हूँ, देखो तुम्हें भी उड़ना है क्या? जरूरत नहीं है, जल्दी यहाँ आ जाओ वरना तुम्हें चोट लग जाएगी, आ जाओ। अभी नहीं, थोड़े फल तोड़ लेता हूँ, बाद में आऊँगा। घबराओ मत, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, संभल कर। क्या हो गया? रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। दर्द हो रहा है। घबराओ मत, वैसे तो तुम बच गए हो लेकिन थोड़ा दर्द तो होगा ना। हाँ? क्या हुआ, मेरी मदद की जरूरत है तुम्हें? है ना, ये चेस्टनट के ढेर पर गिर गया था जिसे चोट लग गई है, काफी खून बह रहा है। इसका इलाज है मेरे पास। हिम्मत रखो, ठीक हो जाएगा। छोटे बच्चों की जान लोगे क्या? बिना वजह इतना शोर मचा रहे हो कपिश, घबराओ मत, दवा लगा देता हूँ, दर्द कम हो जाएगा। ठीक है, तुम शांत हो जाओ, कुछ नहीं होगा। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे जख्म पे नमक और मिर्च लगा रहे हो।